नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले निवेदन करेंगे आपसे कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। साथ ही आप में ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को भी हो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। साथियों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे इन हाथों की पांचों उंगली में तमाम प्रकार की कई बीमारियों का इलाज है। वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें किस प्रकार से हमारे हाथों की पांचों उंगलियों में कई बीमारियों का इलाज है। साथियों हाथ की यह पांच उंगली में अंगूठा, चार उंगली और अंगूठा, अंगूठे का जो यह भाग है यह शुक्र क्षेत्र कहलाता है। शुक्र का भाव है और यह अंगूठा फेफड़े से संबंधित होता है। आज संक्रमण की बीमारी कोरोना जैसी चल रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन संक्रमण सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है, क्योंकि अंगूठा हमारा फेफड़े से जुड़ा है तो तमाम प्रकार की जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होती हैं उनमें लाभ प्रदान करता है और हमारे शरीर के धड़कन को भी कंट्रोल रखता है। साथ ही तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाता भी है। अब कैसे बचाता है इसको समझ लें। इस अंगूठे को यदि आप थोड़ी देर ऐसे प्रेस करें तो फेफड़े से संबंधित बीमारियों से लाभ प्राप्त होगा उसमें और छुटकारा प्राप्त होगा। फेफड़ों से संबंधित बीमारियां जीरो रहेंगी। अब बात करेंगे पहली उंगली की, जिसको तर्जनी भी बोलते हैं और यह हमारी आंतों से जुड़ी होती है। पेट संबंधी कोई भी बीमारी हो इसको थोड़ा सा रगड़ें, थोड़ा सा मसाज करें। पेट दर्द है या दस्त है या कोई पेट संबंधी जो रोग है उसमें आराम मिलता है। अब बात करेंगे बीच की उंगली को, जिसे मध्यमा बोलते हैं और शनि का पर्वत होता है। यह उंगली जो है हमारे शरीर में परिसंचरण का कार्य करती है, यानी कि रक्त प्रवाह को बनाने में कार्य करती है। जैसे चक्कर और बेचैनी सी महसूस हो तो इस उंगली को थोड़ा सा प्रेस करें। निश्चित रूप से मानकर चलें थोड़ी ही देर में आपको लाभ प्राप्त होगा। यह चौथी उंगली, तीसरी उंगली यानी कि अनामिका, इसके नीचे सूर्य का पर्वत है और यह यदि आपका मूड खराब है, मन खराब है, खिन्न है, शांति नहीं मिल रही तो इस उंगली को थोड़ी देर प्रेस करें, लाभ प्राप्त होगा। और यह है सबसे छोटी उंगली, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे बुद्ध पर्वत से जुड़ी होती है, बुद्ध पर्वत के ऊपर करंगली और नीचे बुद्ध पर्वत है। इस उंगली का सीधा संबंध हमारी किडनी से और सिर से रहता है। मानसिक रोगों में भी यह लाभ देती है और साथ ही साथ किडनी से संबंधित
जो रोग हैं उनमें भी आराम देती है, और यदि कभी कभी बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और बड़े भी कभी कभी बिस्तर गीला कर देते हैं, तो यदि इस उंगली में मसाज की जाए तो ऐसे भी गंभीर रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। हमारे हाथों में ही यानी कि हाथों की उंगलियों में कई बीमारियों का इलाज भी है, और हाथों का कमाल इतना है कि यदि इन हाथों को आपस में बजाएं, बजाएं का मतलब ताली बजाएं, तो फिर पूछो नहीं, किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी होने का खतरा नहीं रहता, और है यदि तो उसमें लाभ देता है। इसलिए दिन में कभी भी आपका मूड हो तो इन उंगलियों को जरूर आपस में मलिए, मसाज कीजिए, और 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, 2 मिनट के लिए सही, जोर जोर से तालियां जरूर बजाइए। इससे भी तमाम प्रकार के रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है, और ऐसा चिकित्सीय पद्धति में भी अब अपनाया जाने लगा है, जिसे एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर भी बोलते हैं। तो उपाय करें, लाभ लें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर समय समय पर नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।